नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। साबरकांठा जिले के सभी तहसील में उन्मूलन अभियान शुरू किया गया है, जिसमें साबरकांठा के डीएमओ प्रवीण असारी ने उन्मूलन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीं उन्होंने शुक्रवार के दिन ड्राई डे समारोह में हिस्से के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। साबरकांठा जिला पंचायत मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश पटेल, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर प्रवीण असारी, हिम्मतनगर तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयस परमार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांदराड़ी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृपाबेन मोदी के मार्गदर्शन में खेर उप स्वास्थ्य केंद्र के सभी गाँव में गैर स्थायी और स्थायी जल स्रोतों के साथ साथ मच्छरों के संक्रमण को रोकने के लिए सूचित किया गया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांदराड़ी के मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर सुपरवाइजर जिग्नेश पटेल, मल्टीपर्पज हेल्थ खेड केतन वालंद, फीमेल हेल्थ वर्कर पटेल वसुबेन और सभी आशा बहनों ने बहुत अच्छा काम किया। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चांदराड़ी के सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से पोरानाशक कामगिरी की गई है। जब हमारे एचबीएन न्यूज चैनल के संवाददाता हर्षद कुमार ने जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर प्रवीण असारी के साथ टेलीफोनिक बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में सभी तहसील में उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। बीटीआई ऑयल से मच्छरों के संक्रमण को रोकने के लिए मच्छर रोधी उपाय किए जा रहे हैं। मानसून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को नियंत्रण करने के लिए वर्तमान वर्षा की परिस्थितियों में सभी तहसील को इस गरीबी कार्य द्वारा कवर किया जाता है और महामारी को रोकने में बहुत प्रभावी है। इसी समय लोगों को सभी पानी के कंटेनरों को साफ करना, कंटेनरों को कवर करने, पूरी आस्तीन पहनने और हर शुक्रवार को ड्राई डे समारोह के हिस्से के रूप में मच्छरदानी का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसीलिए मच्छर जनित महामारियों को मुकाबला करने में सफलता प्राप्त की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़।